अपवित्रो पवित्रो वा सर्वास्तांग तोपि वा यस्मरेत पुनरीकाक्ष सभा यांत्रः सुचि सभा यांत्रः सुचि पुनरीकाक्ष सभा यांत्रः सुचि अपवित्रो पवित्रो वा सर्वास्तांग तोपि वा तुम्हारे पति देव फिर से घुड़सवारी कर क्या है? सभा यांत्रः सुचि सभा यांत्रः बात नहीं करोगी? पुनरीकाक्ष सभा यांत्रः सुचि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते। पापा हाँ? जल्दी आओ, कॉफी ठंडी हो रही है। हाँ आ रहा हूँ, माँ को बोलो टेबल पर रख दे। मेरी बात मानो, डिवोर्स दे दो इनको। कब तक ऐसे सहोगी? क्या मैं पापा से बात करूं? मैं घोड़े पर सवार होकर नहीं आती, छोड़ूंगी नहीं। वजह से कोई मेरी घर पर इज्जत नहीं कर रहा। माँ ने भगवान की एक फोटो भी दिखाकर मुझसे कसम खिलवाई। मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन बताओ क्यों छोड़ दूं? क्यों बताऊं तुम्हें? हाँ क्यों बताऊं? तुम्हें बताना पड़ेगा। क्यों बताऊं मैं तुम्हें? कोई मेरी बात सुन नहीं रहा है, मैं क्यों बताऊं तुम्हें? सब तुम्हारी वजह से। हे प्रवीण रुक। मैं नहीं रुकूंगा, मारूंगी तुझे। देख लिया, कोई मेरी वैल्यू नहीं कर रहा। तुमसे नफरत करके मैंने कोई गलती नहीं की। छोड़ो मुझे, मुझे जाना है। अरे जाने दो, नहीं गया तो दीदी मुझे मारेगी। मैं अपनी दादी की अपने लिए कहावतें सुनकर अलग मरी जा रही हूँ। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्रभु जी कृपया करके मुझे बख्श दो। मान गए ना? हाँ मान गया। कौन मरने वाला है, किसे नरक मिलेगा? अरे वही मुझे जीने नहीं दे रहा। क्या आपने पापा को बताया? ताली दो हाथों से बजती है, बोलते हैं मैं आखिर कर ही क्या सकती हूँ। ऐसा लग रहा है मेरे दिन ज्यादा नहीं बचे हैं। पहले रोना बंद करो, लो पानी पियो। सर पियो? मेरी वाइफ मुझे मारती है सर। तो हम क्या करें भाई? अरेस्ट कर लो उसे, मैं हाथ जोड़ता हूँ सर। करेक्ट, एक साल के लिए जेल करवा देती हूँ। इतना कम? उसे उम्र कैद होनी चाहिए, उसने हाल ही में मुझे बहुत मारा। अरे तुम रुको भाई, उसका नाम क्या है? नहीं पता। वो सब कुछ कर लेती है सर, कुछ कहता हूँ तो बोलती है घर के इतने काम करती हूँ तो तुम्हें कोर्ट में ले जाऊंगी। मुझे मरने का ख्याल आ रहा है सर। तो जाके मर जाना, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरी पत्नी भी मुझे मारती है। मतलब तो एक आदमी क्या करेगा? बात तुम्हारी नहीं है, लड़कियाँ गलत नहीं होती हैं। खुश मतलब वो मार दे तो मैं मर जाऊँ? हाँ मारती है तो मर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, समझे? अंकल इसको बोलो यहाँ से चला जाए। तुम जाओ यहाँ से, बाद में आना। जाओ भाई। तुम भी किसी सुनामी से कम नहीं हो, समझ में नहीं आता कौन शादी करेगा तुमसे। वो कौन है? इसने एक चूहा पकड़ लिया है। तेरी तो मर्डर करके जेल जाना चाहती हो क्या? ये सब क्या था? क्या कर रही हो यहाँ? इसका नाम है सूर्या, बहुत अच्छा लड़का है, लड़कियों की बहुत इज्जत करता है।
इसका बुरा मत मानना बेटा, थोड़ा गुस्से में लग रही है। जानता हूँ सर। रुको मैं आता हूँ। मैदुना, तुमने अपना नाम नहीं बताया। मैदुना, आखिर तुम पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। तुमने देखा ना, तुम्हारे पापा को भी पटा लिया है। कोई नया काम हो तो बताओ। एक बात तो बिल्कुल नहीं जानते, मेरा भाई बहुत बड़ा गुंडा है, पता चलते ही मार देगा। बाप पुलिस। हंस क्यों रहे हो? गुंडा। हंसने वाली बात क्या है? तुम पागल हो? जाओ यहाँ से। अरे चले जाओ। क्या कर रही हो? मारूंगी तुम्हें। समझा करो। तुम्हारा टांका पहले से फिट है। मारती क्यों हो चुड़ैल? कही की घर पे बीवी मारती है और यहाँ ये। अरे बाप रे। चलो, ज्यादा शौक नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम इमोशनल हो जाते। एक्सक्यूज मी सर। यस। ये तो डायरेक्ट क्लास में ही आ गया। शायद तुझे देखने आया होगा। तूने अजीब तरीके से देखा था ना, फिदा हो गया होगा बेचारा। Hey mister, what do you want? पता नहीं, अब क्या करेगा? I'm a student of this college. New admission. Come in. अबे हट रे। तुझे ही पटाने आया है यहाँ, अब तो तुझे भगवान भी नहीं बचा सकते। लाइटर डे? नहीं है मेरे पास। ओह, क्रोम हो गया। मुझे स्मोक करने वाली लड़कियाँ बहुत पसंद है। अरे अरे, मुझे स्मोक करने की आदत नहीं है। ठीक है। सुना है तुमने मेरे लिए कॉलेज में एडमिशन लिया है, प्लीज सर मुझे छोड़ दो। तुम्हें किसने बोला कि मैंने कॉलेज ज्वाइन किया है? सब अपने हिसाब से इमेजिन कर लेती हो। यू नो समथिंग, आई वांना बी डॉक्टर। अरे तू डॉक्टर नहीं है, बहुत बड़ा एक्टर है, गधा कहेगा, कुछ भी बोलता रहता है। अबे मैं डॉक्टर बोलता हूँ तो किसी को यकीन क्यों नहीं होता है? तेरी शक्ल डॉक्टर बनने की है भी नहीं। क्या मेरे डॉक्टर बनने की शक्ल नहीं है क्या? अरे ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ और इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। फर्स्ट क्लास में फर्स्ट रैंक मेरी थी, सेकंड क्लास में भी फर्स्ट रैंक मेरी ही थी, थर्ड क्लास में भी फर्स्ट रैंक मेरी ही थी, इसलिए मैं बहुत बड़ी डॉक्टर बनके स्टेट को कंट्री में। रुक रुक, सबकी सेवा करनी होती है बस इतना ही ना? नहीं सर, स्टेट में और कंट्री में मैं सबसे बड़ी डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं। अच्छा, तू भी इसी टाइप की है? तू अपना मुंह बंद रखना। सर आप प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, अगर आपको कोई डाउट है तो मैं क्लियर कर दूंगी। ओके सर। हाँ हाँ, अगर तुम्हें छोड़ना है तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या करना होगा? मुझे किस करना पड़ेगा सर। क्या नहीं करोगी? ए, जो भी लेना देना है वो जल्दी कर लो, क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। करेक्ट। ये तो गलत है सर, मुझे ये सब पसंद नहीं है। देखो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने जो तुमसे मांगा है वो मुझे दे दो और अपनी क्लास में जाओ। और हाँ, वाह, ये तो किस्त देकर चली गई। ए, इतना घबरा क्यों रही है? जस्ट रिलैक्स, लेट्स गो। यहाँ किस लिए? तू देख, मैं बताती हूँ। चलो। तूने तो पूरे कैंपस में घुमाकर थका दिया यार। हेलो, देखा ना, कैंपस में नहीं है, कैंटीन में नहीं है, लाइब्रेरी में नहीं है, मेरा प्लान पूरा वर्कआउट हो गया। हाँ सच में यार, वैसे क्या प्लान था तेरा, क्या किया तूने? ये टॉप मोस्ट सीक्रेट है, बाद में बताऊंगी, ठीक है?
देखा ना, जबान का पक्का है वो। आजकल के लड़के लोग तो जबान पे टिकते ही नहीं है यार। हमारे लड़कों ने बॉलिंग तो अच्छी की यार, पर ये लड़की पटने वाली नहीं है। ए, क्रिकेट ग्राउंड में उतरते ही बैट्समैन छक्का नहीं मारता है, उधर बॉल होती है और इधर गर्ल्स हैं। दोनों को हैंडल करने का तरीका एक ही है। अरे 2 साल की डिग्री छोड़कर यहाँ आया हूँ मैं, मुझे डिफेंसिव गेम नहीं खेलना है बल्कि अग्रेसिव गेम खेलना है, कोहली की तरह। नेक्स्ट ओवर में देखना। क्या यार, तूने तो एक ही मीटिंग में उसे किस कर लिया। ये अभी रुकने वाला है क्या? ये टारगेट फिक्स हो चुका है, 2020 मैच है। टुडे वी डिस्कस द एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। प्रिया, तुझे याद है ना? प्रिया माँ, याद है ना, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, अब तो मैं डॉक्टर बनने जा रही हूँ। प्रिया, तुम हमें छोड़कर कहीं जा रही हो ये सोचकर दिल घबरा रहा है। पता नहीं तू वहां कैसे रहेगी, क्या करेगी। देखो, वहां पर अगर तुमसे कोई भी छोटी गलती हुई तो यहाँ सबके सामने मेरा सिर झुकेगा, ये याद रखना है। और जो भी करना सोच समझ के करना। प्रिया बेटा, मेरे हिसाब से तुम्हें एक बार और सोचना चाहिए। पापा, टेंशन की कोई बात नहीं है। रेडी हो गया ना? ट्रेन का टाइम हो रहा है। तुम कॉलेज जा रही हो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए। पापा, ये सब क्या है ना, इसके अलावा हमारा और कौन है? डॉक्टर बनना इसका सपना है। मैं भी यही कह रहा हूँ भैया, इसके अलावा हमारा और है भी कौन? घर से बाहर निकलने के बाद लड़कियों को आजादी मिल जाती है, लेकिन उस आजादी का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। ए, चलो लगेज कार में डालो, आ जाओ। प्रिया, प्रिया। हे, स्टैंड अप। प्रोफेसर उठने को बोल रहे हैं। Where is your mind? Get out from my class. इसकी तो मैं, मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया। Get out from my class. God. Sir, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे डॉक्टर बनना है। मुझे पसंद नहीं था फिर भी मैंने किस कर दिया। पहले आप अपनी जुबान पर फिक्स रहो सर, आप जुबान देकर मुकर क्यों रहे हैं सर? What is this? मैंने तो जैसा कहा वैसा ही। सर, जो जुबान पर कायम नहीं रहता वो लंगड़ा हो जाता है सर। किसने बोला? मेरी दादी ने। तुम्हारी दादी कहाँ है? चलो जाओ। ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया, वो भी हाथ धोकर। किरण, ये यहाँ विनय को कॉलेज में पकड़ने के लिए आए हैं, क्योंकि उसने प्यार किया है। ये लोग मिलकर उस राउडी के हाथ पैर तोड़ देंगे ना, तब कोई भी डिस्टरबेंस नहीं रहेगी, मैं हैप्पीली डॉक्टर बन जाऊंगी, अब बड़ा मजा आएगा। कम, लेट्स गो। सच में हर इंसान साइको होता है, देख लो, और कभी कभी बाहर भी आ जाता है। ये भाई, मेरे साथ मूवी देखने चलोगी? क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे। बोल रहे, कौन सा कॉलेज है उसका? बुलाओ उसको यहाँ पर। तेरी आंखों में जो डर है ना, उसको दिखाऊंगा मैं। रोक! अभी वो लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। भाई, यही है वो लड़का। Here.